अलहमदिल्ला हिरबिलआलमी वसलात वसलाशरफ़ी लम्बिया इबलमरसलिन अम्माबाद फ़ाऊद बिल्लामिनई नजी बसमिल्ल हमीम व्याया कस्तायीन अलमकुम वहम्त ला वरकत व ईया कस्ताइी और हम तुझी से मदद तलब करते हैं तुझी से फ़रियाद करते हैं तुझी से रहमत की भीख मांगते हैं तू ही हमारा पालन हार है तू हमारा मोहसिन और गमखार है जब हमें भूख लगती है तू ही हमें खाना देता है जब हम प्यासे होते हैं तू ही हमें पानी अता करता है ए यूनस सलाम को मछली के पेट में रिस्क अता करने वाले ए सलाम पर आग को ठंडा फरमाने वाले अ खाली के हकी जलाल हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तुझसे फरियाद करते हैं आज बड़ी प्यारी सूर मुबारक और इसके वज़ाइफ माशाल्लाह बड़े मुजरब है आजमदा हैं सूरा इन्नाफ़ी वमा अदर कमा लद्र ये पूरी सूर मुबारक इसकी बड़ी बरकतें बयान की गई हैं और ख़ास तौर पर माशा लिलातुल्कद्र की शब इसको बड़ी ही जोक के साथ इश्क के साथ पढ़ा जाता है सूर क़द्र के बारे में हदीस मुबारक में है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वज़ू के बाद आसमान की तरफ रुक कर कर सूर्य क़द्र पढ़े पड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा उसकी आँखें रोशन रखेगा सलामत रखेगा यानी उसको आंखों का कोई मर्ज नहीं होगा तो कुर्बान जाइए जो भी जिनका आजकल तो आज दूसरा तीसरा शख्स क्योंकि फेसबुक यूट्यूब और ख़ास तौर पर मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लैपटॉप आईपैड पैड खास तौर पर बच्चे और हर तीसरे चौथे आदमी को चश्मा लग रहा है या आंखों में दर्द रहता है तो ये बेहतरीन वजीफा है कि जब भी आप वज़ू करें वजू के बाद सूर्य कदर पढ़ें इन शाह आपकी आंखें रोशन रहेंगी है और अलहमदिल्ला मैंने इसकी बरकतें देखी है नज़र तेज़ हो जाती है कभी भी आँखों का कोई मर्ज आपको नहीं होगा सूर्य कद्र की ये बरकत है इसी तरह जब भी किसी महीने की चांद रात यानी इस्लामी महीने की चांद रात हो तो मशाइफ फरमाते इक्कीस मरतबा सूर्य कद्र पढ़े ट्वेंटी तो अलहमदल उस शब्द यानी जैसे ही चांद हो नमाज मगरब के बाद इक्कीस मरतबा पढ़े कोई भी महीना हो तो ये पूरे साल का वजीफा है तो माशाल्लाह सूर्य कदर की बरकत है कि वो इक्कीस बार पढ़ेगा फरमाया रिस्क इतनी तेज़ी से उसकी तरफ आएगा जैसे ढलान से यानी ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ आता है रिस्क में बरकत होगी नेमतों की कसरत होगी सूर क़द्रक्स मरतबा पढ़ने से बाद मशाइक ये भी फरमाते हैं कि जो रोज़ रोज़ाना मगरब की नमाज के बाद सूर कदर को इक्कीस बार पढ़ेगा अलहदुल्ला उसमें नेमतों की कसरत हो जाती है सूर्य कदर को याद करें हमेशा याद रखें कुरान अच्छा पढ़े तलफुज अच्छे करें कुरान को याद करें हदीस पाक में जिसके सीने में कुछ कुरान नहीं वो वीरान घर की मानिद दे। है आइए देखते हैं कि आज हमसे सवालात क्या किए गए हैं कौन और कहाँ से ये बाबर हैं दुबई से ये साहब कहते हैं मुझे आशूब चश्म का मर्ज लाइक हो गया है आंखों से पानी जारी रहता है इसके लिए कोई वजीफा बता दें अल्लाह सूर्य कदर मैंने अर्ज किया आप सुबह और शाम सात सात बार सूर् कदर पड़े इनशाला आपको आंखों का मर्ज नहीं होगा और वजू के बाद भी आसमान की तरफ रुक करके सूर कदर पड़े इन अल्लाह ताला आपके मर्ज़ को शिफा में बदल देगा इस्लामाबाद से रुलकर नाइन ये कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं घने जंगल में हूँ बहुत खौफजदा हूँ जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं मैं पसीने पसीने हो गया फिर मेरी आँख खुल गई इस ख्वाब की ताबीर बताएं इस तरह के जो ख्वाब हैं ये जब किसी के साथ जन्नात से असरत के मामला हों जो जिस घर में रहते हों वहाँ पर हों कोई फैक्ट्री में कारखाने में तो इस तरह के ख्वाब उनको नज़र आते हैं तो मेरे प्यारे भाई मेरी आपसे गुजारिश है नमाज़ पढ़ा करें बावज़ू रहा करें और जब भी आप वज़ू करें एक रूटीन बनाएं सुबह जब भी आप उठेंगे सुबह उठ उठें, के ऐतल कुर्सी एक बार पढ़ें हाथों पे फूंक मार के जिसम पे बन लें फिर असर और मगरिब के दरमियान ऐतल कुर्सी एक बार पढ़ें हाथों पे फूक मार कर जिसम पर मल लें और इसी तरह फिर रात को सोने से पहले ये मामूल बनाएँ इन शायत मुक़दसा आयतल कुर्सी की बरकत है इनशा अल्लाह तबारक बता आप के साथ ये जो मामलात हैं इंशाल्लाह इससे इफाका भी होगा अल्लाह ताला आपकी हिफाजत भी होएगा इन आपके मामला अच्छे हो जाएंगे जमील अहमद कराची से ये कहते हैं मेरी शादी को दो बरस हो गए लेकिन मेरी बीवी आज भी कोई काम सलीके से नहीं कर पाती जब कोई इसे कुछ कहता है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कोई वजीफा बताएं कि वो घर के कामों में माहिर हो जाए माशाल्लाह खुश रशीब बीवियाँ ऐसी कि उनके शोहर उनकी परवाह करें कि मेरी औरत की इज्जत हो ये किसका मतलब जमील साहब अपनी बीवी के लिए एक अच्छे शोहर साबित हो रहे हैं माशाल्लाह कि इनको फिक्र है कि मेरी बीवी की इज़्ज़त हो तो अल्लाह करे कि हर ही अपनी औरत की अपनी जोजा की इज्जत करवाए तो इसके लिए देखें कोशिश तो ये है कि उनको गाइड करें उनकी तरबियत करें उनको काम काज सिखाएँ और इसके लिए यही है कि आप रोज़ाना या यालीमो अल्लाह तबारक के ये मुबारक इसम एक सौ दस मार पढ़ कर और पानी पर दम करके जोजा को पिला दें इन श्ला ने चाहा उनकी इज़्ज़त भी होगी और वो सलीके से काम काज करेंगे इन शलीमल्ला है मानसरा से ये कहते हैं मेरे गुर्दे में पथरी है पथरी से निजात के लिए कोई वजीफ़ा बताएँ ये कलीमुल्ल भाई के लिए भी और दुनिया भर में जो नाजरीन हमें देख रहे हैं सामीन हमें सुन रहे हैं यकीन जानिए ये पथरी के लिए चाहे गुर्दे में पथरी हो या मसाने में बेहतरीन वजीफ़ा है और अलह, मैंने इसकी बरकतें देखी हैं जिसको भी ये बताया तो बेफजली ताला पथरी जो है चुरा चूरा होके यानी कि निकल जाती है ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसके लिए لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله یہ سورہ ہشر کی آیت مبارکہ ہے لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله یہ پوری آیت مبارکہ آپ اس نیت سے پڑھیں سات مرتبہ صبح سات مرتبہ شام ہو سکے تو گردے میں دائیں یا بائیں یا پتھری ہے انگلی سے اشارہ کرتے رہیں और ये सात बार पढ़ें इंशाला इस आयत मुबारक की बरकत है इनशाला पथरी रेजा रेजा हो जाएगी और पिशाब के जरिए बह जाएगी इनशाला आपके मर्ज को शिफा में बदल दें अब्दुलजब्बार हैं मुल्तान से ये कहते हैं मैंने मास्टर किया है एक साल से नौकरी की तलाश में हूँ कई जगह सीवीज इंटरव्यूज हुए लेकिन ऐन मौके पर कोई रुकावट आ जाती है कोई वजीफा बताएं कि रुकावट दूर हो जाए यानी मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए सही बात है आजकल मुआशी बदहाली है पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में अफरा तफरी है मुआशी तौर पर आ, मेरी इन भाई के लिए बेहतरीन वज़ीफ़ा मैं इनको अर्ज कर रहा हूँ इन शाह इसकी बरकत से और जितने नादरीन हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन शाला उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्ती वजीफ़ा है कि इन शाला अगर वो बेरोज़गार हैं तो अल्लाह ताली गैब से इन शोक अतः फरमाएगा इनको नौकरी मिल जाएगी रोज़गार के लिए मौके इंशाल्लाह इनको फराम होंगे इसके लिए मैं इनको करता हूँ सूर्य यासिन शरीफ सूर्य यासिन शरीफ की सेकेंड लास्ट आयत कन फयाकुन इन नमा दशू कन फयाकुन यह आयत मुबारक रात बारह बजे एक सौ एक मरतबा पढ़ें यह आयत मुबारक सूर यासिन शरीफ की सेकेंड लास्ट आयत एक सौ एक बार पढ़ें और इसकी बरकत से इनशा दुआ करें अल्लाह की रामत से नौकरी भी अच्छी जगह लग जाएगी और अल्लाह ताला इनके रिस्क में भी बरकत फ़रमाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए पाकिस्तान को सलामत रखे सबको खुशहाल कर दे इजाज़त दीजिएगा वमा अलै अल बलागुल मुबीन